मंगलवार को भोई समाज की ओर से पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने मांग की कि नॉन क्रीमी लेयर रद्द कर दी जाए, साथ ही कहा कि भोई समाज भवन का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। भारत के सभी राज्यों में भोई जाति जनजाति के लोग हैं। इनका मुख्य पेशा मछली पकड़ना और शिकार करना और वन मजदूर है और कुछ हद तक कृषि में लगे हुए हैं। कई राज्यों में इस जाति वर्ग को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसलिए जिन राज्यों में भोई जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है, वहाँ भोई समुदाय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का लाभ उठा रहा है। उदर शिक्षा नौकरी पदोन्नति के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण आदि लाभ लेने के पात्र हैं। अतः यदि उस राज्य के भोई बंधुओं को अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाता है तो उनके लिए राजनीतिक क्षेत्र में शिक्षा रोजगार पदोन्नति या आरक्षण के लिए गैर आपराधिक प्रमाण पत्र लाना या जमा करना अनिवार्य नहीं है। ऐसा मंगलवार को भोई समाज की ओर से आयोजित पत्र परिषद में कहा गया। मागणी आमची सर्वात मुख्य ही आहे, नॉन क्रिमिनल अट रद्द व्हायला पाहिजे आणि दुसरी अट आहे आमची का आम्हाला ती जागा जी आहे त्या जागेवर आमचं भोई समाज भवन बनलं पाहिजे। आणि महाराष्ट्रामध्ये NTBO-मध्ये येतो आणि मागेही मला इंटरव्ह्यू घेऊन काही पत्रकारांनी विचारलं होतं तर जवळजवळ 1.5 कोटी महाराष्ट्रातली आमची संख्या आहे। नागपूर जिल्ह्यापुरती म्हटलं तर तुमच्या 20-25 लाख मतदान आहे आमचं। SC-मध्ये नाही, ST-मध्ये नाही, NT-मध्ये दिले ते ज्योतिराम बर्वेमध्ये आहे। ज्योतिराम बर्वे साहेबांनी आम्हाला मिळवून दिलेली ते आहे आणि ते बऱ्याचाला प्रश्न केला तर मी विसरलो। आता हे आमचे जे कोळी समाज असतात, महादेव कोळी कालपर्वाच्या पेपरमध्ये आलेलं आहे, त्यांचीसुद्धा त्यांना ते काढून राहिलेले आहे ST-मधून। म्हणजे आमच्यासारखी अवस्था होईल आणि आम्ही जर संघटित नाही राहिलो तर NTBC-सुद्धा आमची सवलत काढण्याच्या मार्गावर आहेत आणि ते होऊ देणार नाही आम्ही। इस दौरान उन्होंने मांग की कि नॉन क्रीमी लेयर रद्द कर दी जाए, साथ ही कहा कि भोई समाज भवन का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा अटवा, BCN News नागपुर।